सो हेलो फ्रेंड्स, इस गैट बाय मनीष आपका स्वागत है गैट बॉय चैनल में, लेकर आपके लिए लेटेस्ट वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है, हम आपको बताएंगे टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन्स जो कि मतलब कि 20,000 के अराउंड होंगे, लेकिन 5GB होंगे और 4GB होंगे। बेस्ट कैमरा, बैटरी बैकअप और साथ में गेमिंग करने के लिए बेस्ट प्रोसेसर्स और साथ में बड़ी डिस्प्ले, बड़ी रैम आपको मिल जाएगी। सो हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। Let's begin now. हमारी लिस्ट पे फर्स्ट नंबर पे है 5G स्मार्टफोन Redmi Note 10 11T 5G। ये 5G स्मार्टफोन है तो बढ़िया है, बजट है सिर्फ 18,000 का। साथ में इसके अंदर में 6GB रैम प्लस 128GB वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा। 6.16 इंच के आपको बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप है और साथ में 50+8+2+2 मेगापिक्सल प्लस LED फ्लैश एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। और साथ में इसके अंदर में 5000mAh तक की बैटरी कैपेसिटी और मीडियाटेक प्रोसेसर डायमेंसिटी SoCC 810 का आपका देखने को मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट फ़ोन है जो कि पूरा एक गेमिंग पीस बन सकता है अगर आप इसे अच्छे से चलाए तो। हमारी लिस्ट पे सेकंड नंबर पे है Realme 8S 5G। ये एक 5G स्मार्टफोन है, इसके अंदर में 5000mAh तक की बैटरी कैपेसिटी और साथ में ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 64+8+2 देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा लगा हुआ है और डिस्प्ले इसके 6.15 इंच की ESP डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि बेजललेस है। और साथ में एक एंड्रॉयड 11 पर भी बेस्ड है। और हाँ, मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एक गेमिंग बेस्ड है, मतलब पूरा फोन स्मार्टफोन गेमिंग के लिए। और साथ में इसके अंदर में 6GB रैम प्लस 128GB वाला वेरियंट अवेलेबल है। ये बहुत अच्छा स्मार्टफोन आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, 5G स्मार्टफोन्स है और अंडर 20,000 के। हमारी लिस्ट पे थर्ड नंबर पे है Infinix Note 10 Pro S, मतलब कि बहुत खतरनाक स्मार्टफोन है। इसके अंदर हमें 8GB रैम प्लस 256GB का एक बड़ा वेरियंट देखने को मिल जाएगा जो कि 20,000 के अराउंड कोई नहीं देता। इसके अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 64+8+2+2। फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी डिस्प्ले है 6.96 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें 1080p का रेजोल्यूशन है और साथ में 5000mAh तक की बैटरी कैपेसिटी और मीडियाटेक हीलियो G95 का प्रोसेसर लगा हुआ है। और साथ में इसके अंदर में एंड्रॉयड 10 और 11 शायद आपको बेस्ड मिल जाए और 90Hz इसकी रिफ्रेश रेट है। इसका प्राइस भी आपको 20,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा वेरियंट यही है और डिस्प्ले के मामले भी सबसे बड़ा यही है। सो फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट पे फोर्थ नंबर पे है Realme Narzo 30, 5000mAh तक की बैटरी कैपेसिटी, ट्रिपल कैमरा सेंसर्स, इसमें आपको 48+8+2 देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट की ओर 16 मेगापिक्सल, 6.15 इंच से लेकर इसकी डिस्प्ले है जो कि ISP LCD डिस्प्ले है, 1080p का रेजोल्यूशन है और साथ में इसके अंदर में 90Hz देखने को मिल जाएंगे। 5G कनेक्शन के लिए इसमें एंड्रॉयड 11 भी बेस्ड है। और हाँ, इसके अंदर में मतलब कि मीडियाटेक हीलियो 700 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि गेमिंग करने के लिए ठीक है। 4GB रैम प्लस 64GB वाला वेरिएंट अवेलेबल है इसमें और 6GB रैम प्लस 128 वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट पे लास्ट नंबर पे है मोटोरोला की ओर से Motorola G60। इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेंसर, फर्स्ट 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल+2 मेगापिक्सल और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल। डिस्प्ले 6.80 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 1080+2340 रेजोल्यूशन है इसका और साथ में 6GB रैम प्लस 128GB वाला वेरिएंट है ये। और साथ में हमें देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 11 का बेस्ड, अगर इसमें अपडेट आया है तो 90Hz से भी आप काम चला लें। सो ठीक है, ये थे हमारे टॉप 5 स्मार्टफोन्स, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कर दीजिएगा। दिस गैट बाय मनीष साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बी हेल्थी एंड गुड बाय।